दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसी कि सूचनाएं मिल रही हैं और चर्चा है कि जो इंडिया गठबंधन बना था उसके दो दलों ने अपना चुनावी गठबंधन समाप्त कर दिया है। मैं किन की बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं कि हरियाणा में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री और सर्वेसर्वा जो हरियाणा में कांग्रेस की कमान संभाले हुए हैं, इसके अलावा भी कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं कि हमने हरियाणा में आप पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन समाप्त कर दिया है और हम हरियाणा में अपने दम पर आने वाला विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, उसके जवाब में आप पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन खत्म कर दिया है। अब इसमें खास बात क्या है कि हरियाणा में कांग्रेस बड़ी पार्टनर है, बड़ी राजनीतिक ताकत है और वर्तमान में दिल्ली में आप बड़ी राजनीतिक शक्ति है। दिल्ली विधानसभा क्षेत्र की 70 सीटों में से 12 विधानसभाओं पर आप पार्टी ने कब्जा किया हुआ है और भाजपा को एक कोने में ठिकाने पर लगा दिया, मात्र 8 सीट मिली है और उससे पिछले चुनाव में तो भाजपा के खाते में 8 से भी कम सीटें आई थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया गठबंधन के साझेदार कांग्रेस और आप पार्टी ने आखिर चुनावी गठबंधन क्यों तोड़ा? उनका गठबंधन दिल्ली, दिल्ली प्रदेश, हरियाणा प्रदेश और गुजरात में हुआ था। हरियाणा में कांग्रेस ने आप पार्टी को 10 में से 1 लोकसभा सीट लड़ने के लिए दी थी। इसी तरीके से गुजरात में 1 सीट पर समझौता हुआ था और दिल्ली में दोनों के बीच 3 और 4 सीट के हिसाब से समझौता हुआ था। लेकिन ना तो गुजरात में आपसे समझौते का कोई कांग्रेस को फायदा मिला, ऐसा कांग्रेस जनों का मानना है। और उसी तरीके से जिस तरीके से जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, दिल्ली की 7 सीटें भाजपा और कांग्रेस बुरी तरह हार गए, ये तो पूरे देश के लिए 8वां आश्चर्य जैसा था। जबकि ये माना जा रहा था कि दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर बहुत जबरदस्त 7 की 7 सीटों पर टक्कर है और कन्हैया लाल को तो जीता हुआ उम्मीदवार बताया जा रहा था। लेकिन 7 की 7 सीटों में से ना कांग्रेस का एक उम्मीदवार जीत पाया ना आपका जीत पाया। और जैसा कि मैंने बताया कि गुजरात की 1 सीट जो आपको दी गई थी, वहां पर भी कोई कमाल आप पार्टी नहीं दिखा पाई। अब जानकार कहते हैं कि जो इंडिया गठबंधन का जो समझौता था वो सिर्फ लोकसभा चुनावों तक सीमित था। इस मुद्दे पर कांग्रेस की महिला राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अलका लांबा ने भी अपने एक बयान में कहा है कि आप पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करके जो उन्होंने 3 राज्यों में किया उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ।
न दिल्ली में, न हरियाणा में, न गुजरात में। और वैसे भी जैसा कि मैंने अभी कहा कि ये जो चुनावी गठबंधन था वो लोकसभा चुनावों तक सीमित था। अलका लांबा बड़े जोर देकर कह रही हैं कि चूंकि लोकसभा चुनावों में हमने देख लिया आपके साथ समझौते में कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ, तो इसलिए विधानसभा चुनावों में भी इसकी कोई ज़रूरत मतलब कांग्रेस हाईकमान ने नहीं समझी, और कम से कम मैं निजी तौर पर ये मानती हूँ कि इसका कोई फायदा नहीं है और हमें अकेले अकेले चुनाव लड़ना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जानकारों का ये भी कहना है कि इंडिया गठबंधन सब जगह नहीं टूटा है, आने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में ये जारी रहेगा, हालांकि वो 2027 में चुनाव हैं। महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन का चुनावी गठबंधन जारी रहेगा और वहाँ जो इंडिया गठबंधन में जो सदस्य जुड़े हैं उनका गठबंधन है वो एज इट इज ऐसा ही रहेगा जैसा कि लोकसभा चुनावों में रहा है। उसी तरीके से बंगाल में इंडिया गठबंधन का लोकसभा चुनावों में कोई समझौता नहीं हुआ। तो जानकार कहते हैं कि जहां जहां पर जरूरत थी वहां पर लोकसभा चुनावों में चुनावी गठबंधन किया गया, बंगाल में जरूरत नहीं थी तो नहीं लड़े, कई जगह कांग्रेस ने और किसी के साथ और राज्यों में नहीं किया। तो जानकार बता रहे हैं कि चुनावी गठबंधन जो जैसे लोकसभा चुनावों में जारी रहा और कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ, उसी तरीके से आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जहां जरूरत होगी इंडिया गठबंधन के से जुड़े राजनीतिक दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे जहां उसकी ज़रूरत होगी। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत जो लोकसभा चुनावों के लिए गठबंधन हुआ था वो टूटा नहीं है, बल्कि अपनी सुविधा अनुसार राजनीतिक दल फैसले ले रहे हैं और जहां ज़रूरत होगी वहां विधानसभा आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इंडिया का गठबंधन इंडिया का चुनावी गठबंधन आपस में होता रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का मुद्दा कि इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद कितना टूटा है और कितना बचा है, और जितना टूटा है तो वो क्यों टूटा है और कितना बचा है तो वो क्यों बचा है, और बंगाल में इंडिया गठबंधन ने कोई समझौता नहीं किया तो क्यों नहीं किया था, क्योंकि वहाँ इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर कल नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।